सपना विश्व गुरु का ठेके पर गुरु, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम यूं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा सपना तो विश्व गुरु, भारत का सपना विश्व गुरु बनने का है। और यह सपना हमारे देश की सरकार का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का, हमारे देश के हर नागरिक का, आपका और हमारा है। लेकिन हम अपने गुरुओं को क्या दे रहे हैं, हम अपने टीचर्स को क्या दे रहे हैं? हमारे टीचर हमारे गुरु किस स्थिति में हैं? हमारे देश का कोई हिस्सा हो, वहाँ पर हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो टीचर हैं, वो नौकरी के लिए धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं, परेशान होते हैं, अपना घर बार चलाने के लिए तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करते हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो ऐसे में प्रश्न ये कि हम अपने गुरुओं का जब सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, अपने गुरुओं को नौकरी पक्की नहीं दे पा रहे हैं, कहीं आप उन्हें शिक्षा मित्र बना देते हैं, कहीं आप उन्हें अडॉक टीचर बना देते हैं, कहीं आप उन्हें टेम्प्रेरी टीचर्स बना देते हैं, कहीं आप उन्हें कुछ और बना देते हैं, आप उन्हें परमानेंट स्थाई नौकरी तक नहीं दे पाते, अपने उन गुरुओं को सम्मान नहीं दे पाते जो भविष्य के निर्माता हैं, हमारे देश के भविष्य के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फिर ऐसे में हम विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं जब हम गुरुओं का अधिकार उन्हें नहीं दे पाते? तो ऐसे कैसे बनेंगे हम विश्व गुरु जब तक हम अपने गुरुओं